हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये टाटा की VS4 गाड़ी है और आज हम इसके क्लस्टर मीटर के वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जो ब्लू कलर का कनेक्टर है उसके वायरिंग के बारे में जान लेते हैं कि उसका वायरिंग किस प्रकार है। तो जो ब्लू कलर का कनेक्टर है दोस्तों, उसके प्रत्येक वायर के बारे में बताएंगे आप लोगों को कि उसका कौन सा वायर किस चीज़ का है और उसका कलर कोड क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप ही लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे आप लोग का हेल्प हो। तो चलिए, जो कनेक्टर उसको हम निकाल लेते हैं और फिर आप लोग को इसके वायरिंग के बारे में बताते हैं कि कौन सा वायर किस चीज़ का है, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप लोग के पास क्लस्टर मीटर के वायरिंग से रिलेटेड इशू आए तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आसानी से चेक कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो ब्लू कलर का कनेक्टर है उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, एक तरफ 1 से 16 तक लिखा हुआ है और एक तरफ 17 से 32 तक लिखा हुआ है। तो ये 32 पिन का कनेक्टर है दोस्तों। तो चलिए, जो इसका कैप उसको निकाल लेते हैं और फिर आप लोग को इसके प्रत्येक वायर के बारे में बताते हैं कि कौन सा वायर किस चीज़ का है। तो जो इसका केबल टाइप है दोस्तों, उसको काट लेंगे ताकि जो इसका कैप है वो आसानी से निकल सके। और फिर जो इसके आगे लॉक दिया हुआ है पिंक कलर का, इसको निकालेंगे। तो देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इसको ड्राइवर के माध्यम से इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए ऐसे निकाल लेना है ताकि कनेक्टर टूटे ना और जो कैप है वो आसानी से निकल जाए। तो देखिए कितनी आसानी से निकल गया। इसी तरीके से कभी आप लोग को निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा। तो चलिए, प्रत्येक वायर को हम अलग अलग कर लेते हैं दोस्तों ताकि आप लोग को आसानी से समझा सकें और आप लोग आसानी से समझ सकें कि कौन सा वायर किस चीज़ का है। तो देखिए मैं वायर को अलग कर लिया हूँ और चलिए आप लोग को बताते हैं कि कौन सा वायर किस चीज़ का है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। तो जो एक नंबर पिन है दोस्तों, ये वाला जो बैगनी कलर का वायर है, ये एक नंबर पिन है। ये फ्यूल मीटर का है, जो हमारा डीजल मीटर होता है उसी का ये वायर है। देख सकते हैं आप लोग, एक नंबर पिन है। और जो दो नंबर पिन है दोस्तों, वो एयर प्रेशर का है, जो ब्लू में रेड कलर का वायर है। और बाकी जो 3, 4 और 5 नंबर पिन है दोस्तों, वो खाली है। और जो 6 नंबर पिन है दोस्तों, जो ग्रीन में वाइट कलर का वायर है, ये हमारा अल्टरनेटर का वायर है, जो बैटरी का सिग्नल देता है क्लस्टर मीटर, उसी का ये वायर है, जिसे हमें पता चलता है कि हमारा अल्टरनेटर चार्जिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसी का ये वायर है। और जो 7 नंबर पिन है दोस्तों, उसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर जो आप लोग को आइडिया होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा कि एक किस चीज़ का वायर है, ताकि हमें भी पता चले। जो ऑरेंज में ब्राउन कलर का वायर है। और जो ये 8 नंबर पिन है दोस्तों, जो पिंक में ब्लैक कलर का वायर है, ये रियर फॉग लैम्प का है। जो पिंक में ब्लैक कलर का वायर है, ये 8 नंबर पिन है। और जो 9 नंबर पिन है दोस्तों, ये MIL लैम्प का एनोड वायर है, जो ऑरेंज में ग्रीन कलर का वायर है। जो क्लस्टर मीटर में MIL लाइट जलता है उसी का ये वायर है। और जो 10 नंबर पिन है दोस्तों, ये वाला जो वायर है, जो ग्रे कलर का वायर है, ये MILM का कैथोड वायर है, जो ग्रे कलर का वायर है। और जो 11, 12 और 13 नंबर पिन है दोस्तों, वो खाली है, आप लोग देख सकते हैं। और जो 14 नंबर पिन है दोस्तों, ये वाला जो वायर है, जो येल्लो में ब्राउन कलर का वायर है, ये हमारा पार्किंग लैम्प का है, जो हमारे क्लस्टर मीटर में पी लिखा रहता है जब हम हैंड ब्रेक लगाते हैं, उसी का ये वायर है। और जो 15 नंबर पिन है दोस्तों, वो खाली है। और जो ये 16 नंबर पिन है दोस्तों, जो ग्रीन कलर का वायर है, ये इंडिकेटर लाइट का है, राइट साइड का। तो 1 से 16 तक के वायर के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। तो चलिए, जो 17 से 32 तक का वायर है उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा वायर किस चीज़ का है। तो वीडियो में नहीं रहिएगा दोस्तों ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो जो ये 17 नंबर पिन है दोस्तों, जो येल्लो में रेड कलर का वायर है, इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर जो आप लोग को आइडिया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस चीज़ का वायर है। और जो 18 नंबर पिन है दोस्तों, ये ग्राउंड का है, जो ब्राउन कलर का वायर है, ये ग्राउंड का वायर है। और जो 19 नंबर पिन है दोस्तों, वो खाली है। और जो ये 20 नंबर पिन है दोस्तों, जो ब्लू में ब्लैक कलर का वायर है, ये ऑयल प्रेशर का है, ये वाला जो वायर है। और जो 21 नंबर पिन है दोस्तों, वो खाली है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे गैप है। और जो 22 नंबर पिन है दोस्तों, ये वाला जो वायर है, ये एयर फिल्टर का है, जो ग्रीन में ऑरेंज कलर का वायर है, ये वाला जो वायर है।
जब हमारा एयर फिल्टर क्लोज हो जाता है तो सिग्नल देता है क्लस्टर मीटर, उसी का वायर है। और 23 से 26 तक जो पिन है दोस्तों खाली है, और जो ये 27 नंबर पिन है दोस्तों एक कैन वायर का हाई वायर है जो येलो कलर का वायर है, और जो ग्रीन कलर का वायर है दोस्तों जो 28 नंबर पिन का वायर है एक कैन वायर का लो वायर है जो ग्रीन कलर का वायर है, और जो 29 नंबर पिन है दोस्तों ये वाला जो वायर है ये डायरेक्ट बैटरी सप्लाई का है विदाउट इग्निशन ऑन किए यहाँ पे सप्लाई आता है जो 29 नंबर पिन है जो रेड में ब्लैक कलर का वायर है, और जो 30 नंबर पिन है दोस्तों वो खाली आप लोग देख सकते हैं, और जो 31 नंबर पिन है दोस्तों ये इग्निशन सप्लाई का है, जब इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे सप्लाई आता है जो ऑरेंज में ग्रीन कलर का वायर है, और जो 32 नंबर पिन है दोस्तों ये वाला जो वायर है वो पार्किंग लाइट का है जो वाइट कलर का वायर है, ये वाला जो वायर है ये पार्किंग लाइट का वायर है। तो इस प्रकार से इसका वायरिंग है दोस्तों। तो इन वायरों के आधार पर मैंने एक नोट बनाया है, आप लोग चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी फ्यूचर में आप लोग को इसका वायरिंग चेक करना हो कि कौन सा वायर किस चीज़ का है तो आप लोग उस नोट के माध्यम से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये उसका नोट है दोस्तों, देख सकते हैं क्लस्टर मीटर वायरिंग ब्लू कनेक्टर लिखा हुआ है और 1 से 32 तक नंबरिंग किया हुआ है दोस्तों, कौन सा वायर किस चीज़ का है उसके कलर कोड के साथ। तो जो इसका एक नंबर पिन है दोस्तों वो डीजल मीटर का है जो वायलेट कलर का है, और जो इसका 2 नंबर पिन है दोस्तों वो एयर प्रेशर का है जो ब्लू में रेड कलर का वायर है, और जो इसका 6 नंबर पिन है दोस्तों वो बैटरी सिंबल का है जो ग्रीन में वाइट कलर का वायर है, और जो इसका 7 नंबर पिन है दोस्तों उसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैंने नो आइडिया लिख दिया है जो ऑरेंज में ब्राउन कलर का वायर है, और जो इसका 8 नंबर पिन है दोस्तों वो रियर फॉग लैम्प का है जो पिंक में ब्लैक कलर का वायर है, और जो इसका 9 नंबर पिन है दोस्तों वो MIL लैम्प का एनोड वायर है जो ऑरेंज में ग्रीन कलर का वायर है, और जो इसका 10 नंबर पिन है दोस्तों वो MIL लैम्प का कैथोड वायर है जो ग्रे कलर का वायर है, और जो इसका 14 नंबर पिन है दोस्तों वो पार्किंग लैम्प का है जो येलो में ब्राउन कलर का वायर है, और जो इसका 16 नंबर पिन है दोस्तों वो इंडिकेटर लाइट का है राइट साइड का जो ग्रीन कलर का वायर है, और जो 17 नंबर पिन है दोस्तों उसके बारे में आइडिया नहीं है तो हम नो आइडिया लिख दिए हैं जो येलो में रेड कलर का वायर है, और जो 18 नंबर पिन है दोस्तों वो ग्राउंड का है जो ब्राउन कलर का वायर है, और जो 20 नंबर पिन है दोस्तों वो ऑयल प्रेशर स्विच का है जो ब्लू में ब्लैक कलर का वायर है, और जो 22 नंबर पिन है दोस्तों वो एयर फिल्टर का है जो ग्रीन में ऑरेंज कलर का वायर है, और जो 27 नंबर पिन है दोस्तों वो कैन वायर का हाई वायर है जो येलो कलर का वायर है, और जो 28 नंबर पिन है दोस्तों वो कैन वायर का लो वायर है जो ग्रीन कलर का वायर है, और जो 29 नंबर पिन है दोस्तों वो बैटरी का मेन सप्लाई का है जो रेड में ब्लैक कलर का वायर है, और जो 31 नंबर पिन है दोस्तों वो इग्निशन सप्लाई का है जो ऑरेंज में ग्रीन कलर का वायर है, और जो 32 नंबर पिन है दोस्तों वो पार्किंग लाइट का है जो वाइट कलर का वायर है। तो इस प्रकार से इसका वायरिंग है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर आप लोग के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।